सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज झारखंड व पाएं झारखंड की तमाम खबरें। रंका अनुमंडल के बरवाडी में झारखंड मुक्ति मोर्चा के पदाधिकारियों के साथ 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाने को लेकर बैठक की गई। इस संबंध में बताते चले कि रंका अनुमंडल के बरवाडी में जिला 20 सूत्री उपाध्यक्ष नितेश कुमार सिंह, सरवन सिंह, संजय सिंह छोटू के अध्यक्षता में 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाना है, जिसे लेकर रंका अनुमंडल के बरवाडी में बैठक की गई। इस संबंध में 20 सूत्री उपाध्यक्ष नितेश सिंह ने कहा कि इस वर्ष 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाना है, जिसे लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के सभी सदस्यों के द्वारा बृहद रूप से मनाने का निर्णय लिया गया है, जिसे लेकर रंका अनुमंडल के बरवाडी में इसकी बैठक। इस बैठक में रंका झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष आशीष गुप्ता, जिला प्रवक्ता कार्तिक पांडे, अरविंद सोनी, मुकेश तिवारी, इरफान अंसारी सहित काफी संख्या में झामुमो के कार्यकर्ता उपस्थित थे। रंका से विकास, आज हम लोग एक आपातकाल बैठक सभी आदिवासी समाज और मूलवासी समाज के साथ रखे हैं और 9 अगस्त को विश्व आदि दिवस मनाने के लिए, जिसको रंका अनुमंडल मुख्यालय ITI भवन के सभागार में किया जाएगा संपन्न, और उसमें रंका, रमकंडा, चिनिया, बड़गर भंडरिया, गढ़वा, मेराल के जितने भी हमारे आदिवासी समाज के लोग हैं उनको माननीय मंत्री जी के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। इसका उद्देश्य कुछ और है। आज़ादी के 70 साल बाद आज हमारे देश के संस्कृति, सभ्यता, जंगल, जमीन, नदी, झरना को बचाने वाले हमारे आदिवासी भाई बहन विलुप्त हो रहे हैं, तो यह झारखंड सरकार की भी सोच है। हमारे युवा मुख्यमंत्री, झारखंड सरकार के लोकप्रिय हेमंत सोरेन जी ने भी सभी कैबिनेट मिनिस्टर और विधायकों के साथ मोरहाबादी मैदान में बहुत बड़े आयोजन का रखे हैं विश्व आदिवासी दिवस के शुभ अवसर पर, मोरहाबादी मैदान रांची में। उसके बाद भी हमारे माननीय मंत्री जी का सोच रहा कि हम भी अपने क्षेत्र में, गढ़वा जिला, विधानसभा ही नहीं पूरे गढ़वा जिला भी, हमारे आदिवासी समाज के बहुत सारे लोग रहते हैं, कोरवा, परहिया, खेरवार, ब्रिजिया, मुंडा, उरांव, सभी जाति के लोग आदिवासी समाज से जो आते